हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल में। ये है हमारी अपकमिंग लिस्ट, लेकिन ये सबसे धमाकेदार अपकमिंग लिस्ट है आज तक की, क्योंकि फरवरी के इस महीने में अगले 9 दिनों में हमारे 19 डिवाइसेस हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं। मतलब 19 डिवाइसेस सिर्फ 9 दिनों में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आगे तो क्या होगा। अभी ये जो 9 दिन है ये बहुत ही धमाकेदार दिन रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जबरदस्त डिवाइसेस आ रहे हैं। और ये 19 तो हमें पता चल गया आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक दो और सरप्राइज वाले भी आ जाएं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस चैनल पे आपको सभी डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग मिलेगी। किसी भी डिवाइस को मैं नहीं छोड़ूंगी, सबकी अनबॉक्सिंग करूंगी, सबकी टेस्टिंग करूंगी। अब इतने सारे डिवाइसेस हैं और 9 दिन है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई आगे पीछे हो जाए, लेकिन मिलेगी सबकी, ये मेरी पूरी 100% गारंटी है। तो आइए फटाफट से हम अपनी लिस्ट को शुरू करें। और याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है, ये तो करना ही बनता है। अब ये जो हमारे 19 डिवाइसेस हैं, इनके बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगी। कुछ डिवाइसेस हैं जिनके मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, डिटेल में सारे फीचर समझा चुकी हूँ। बाकी अगर आपको और किसी के डिटेल फीचर्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसका वीडियो आपको सबसे जल्दी मिलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कल की। कल 20 फरवरी को हमारे वीवो के डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वीवो के V15 प्रो की, जो कि बहुत ही धमाकेदार एकदम धांसू डिवाइस है। मतलब ये पहला डिवाइस है जिसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, वो भी पॉपअप स्टाइल में। उसके साथ आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा बैक में, और सिर्फ 48 मेगापिक्सल नहीं है, ट्रिपल कैमरा मिलेगा। साथ में बड़ी बैटरी भी मिलेगी, फास्ट चार्जर भी मिलेगा, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा जो हमें वीवो नेक्स में मिला था, और उसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। तो ये धांसू जो डिवाइस है हमारा, ये कल लॉन्च हो रहा है। वैसे इसके डिटेल में अगर आपको स्पेक्स के बारे में जानना है तो इसका वीडियो बना हुआ है, तो आप या तो देख सकते हैं ऊपर आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब इसके साथ ही Vivo V15 Pro के साथ ही Vivo लेकर आ रहा है अपना U1, जिसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन मिलेगा। बेसिक डिवाइस होगी हमारा, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर होगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बड़ी बैटरी होगी 4000 mAh प्लस में। डिवाइस हमारा ये 10,000 से 12,000 रुपए की रेंज में होगा। तो दो डिवाइसेस हो गए हमारे वीवो के, बट ऐसा नहीं है, एक तीसरा डिवाइस भी है वीवो का, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि वो कल ही हमें सरप्राइज की तरफ मिल जाए। ये वीवो का एक सब ब्रांड बनकर आएगा, जिसका नाम होगा IQ00 या फिर IQOO। ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अब ये जो डिवाइस निकालेंगे, या तो ये हो सकता है हमारा फ्लैगशिप गेमिंग डिवाइस, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलेगा, 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी, उसके साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, सुपर फास्ट चार्जर भी मिलेगा, या फिर हो सकता है कि ये हमारा एक फोल्डेबल डिवाइस हो वीवो की तरफ से। अब क्या होता है ये तो हमें कल ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट डेट आती है हमारी 21 फरवरी की। 21 फरवरी को लॉन्च होने वाले हैं हमारे सैमसंग की S10 सीरीज, जिसका बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। 3 डिवाइसेस आएंगे सैमसंग की S10 सीरीज में, एक होगा S10e, एक होगा S10, एक होगा S10 प्लस। S10e जो होगा हमारा, वो सबसे छोटा बेसिक डिवाइस होगा, वो आप मान सकते हैं कि हमारे OnePlus की कॉम्पिटिशन में आएगा 5.8 इंच के डिस्प्ले के साथ। और जो हमारा S10 होगा, वो होगा हमारा 6.1 इंच का 2K डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको और भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलेंगे। और जो हमारा S10 प्लस होगा, वो हमारा अल्टीमेट डिवाइस होगा, सबसे प्रीमियम, जिसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा भी डुअल मिलेगा, पंच होल स्क्रीन के साथ, होल नहीं सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो काफी कुछ डाला गया इन डिवाइसेस के अंदर, लेकिन देखना ये है कि किस प्राइस में ये डिवाइसेस आते हैं हमारे पास, क्योंकि इंडिया में प्राइस तो आपको देख के रखना पड़ता है। तो देखते हैं प्राइस क्या होता है, और उसके हिसाब से क्वालिटी क्या होती है, और चीजें क्या क्या मिलती हैं। और इसके साथ सैमसंग अपना एक और डिवाइस लॉन्च कर सकता है, जो कि फोल्डेबल डिवाइस है। वैसे हो क्या सकता है, मेरे हिसाब से तो कर ही देना चाहिए। होगा ये डिवाइस आपका काफी कॉस्टली डिवाइस, देखेंगे इसके अंदर भी हमें क्या मिलता है। लॉन्च अगर किया तो हम इसकी अनबॉक्सिंग तो जरूर करेंगे। अब अगली डेट आती है हमारी 24 फरवरी की। 24 फरवरी को है हमारे नोकिया की लॉन्चेस। हो सकता है कि नोकिया अपने 3 डिवाइसेस को लॉन्च करे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जिसकी हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, नोकिया 9 प्योर व्यू, जिसके अंदर आपको 5
कैमरास मिलेंगे भाई, मजा आ जाएगा देखने में पांच कैमरास कैसे कैसे पिक्स लेते हैं। और उसके साथ आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर भी मिलेगा, फ्लैगशिप डिवाइस होगा ये हमारा, और वैसे बस आने ही वाला है तो देखते हैं कि नोकिया और क्या क्या डाल के देता है आपको इसके अंदर। साथ में जो दो और डिवाइसेस आने वाले हैं, एक हमारा बजट सेगमेंट का डिवाइस आएगा जो कि होगा नोकिया 2। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो दूसरा डिवाइस है नोकिया का 8.1 प्लस, वो हो सकता है हमारा पंच होल डिस्प्ले के साथ या फिर वाटर ड्रॉपलेट डिस्प्ले के साथ। उसके ऊपर भी ज्यादा लीक्स नहीं है, ये एकदम सरप्राइज की तरह आपके सामने आएंगे। लेकिन जब जैसे जैसे ट्रेंड चलता है उस हिसाब से सारी कंपनियां आती हैं, तो हो सकता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको मिल जाए बैक में। बाकी टेंशन की बात नहीं है, जैसे पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगी और अनबॉक्सिंग तो इस पे आपको जरूर मिलेगी। अब इसके बाद काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कमेंट करके कि सैमसंग का M30 कब आएगा, तो M30 आपका आने वाला है 27 फरवरी को, जिसके अंदर आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा, ट्रिपल कैमरा होगा, बड़ी बैटरी होगी। और काफी लोग इसका वेट कर रहे हैं, तो टेंशन ना लें, इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, पूरी तरह डिवाइस को देखेंगे कि कैसा है ये। 27 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम 28 फरवरी की। 28 फरवरी को पांच फोन लॉन्च हो रहे हैं, सरप्राइज में हो सकता है 6-7 मतलब दो और हो जाए, लेकिन पांच तो लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस फोन के बारे में जिसका बहुत लोग वेट कर रहे हैं, मतलब मैं खुद ही बहुत वेट कर रही हूँ। डिवाइस है हमारा रेडमी का नोट 7 और नोट 7 प्रो। भाई कमाल डिवाइस है, क्या कहें। स्नैपड्रैगन 660 मिलता है आपको इसके अंदर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बड़ी बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जर मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। भाई कमाल ही है, तो इन्होंने तो आग लगा देनी है और पूरी मार्केट को तहस नहस करके रख देना है। लेकिन इतना ही नहीं, हो सकता है कि Xiaomi अपना एक और डिवाइस लॉन्च कर दे, जैसे कि बाहर वो अपने एक्चुअल में तो 10-12 डिवाइसेस बाहर लॉन्च कर चुके हैं और MI8, MI9 सब लॉन्च कर चुके हैं, तो हो सकता है कि Redmi 28 फरवरी को अपना एक और डिवाइस लॉन्च कर दे, क्योंकि कि थोड़ा प्रीमियम डिवाइस होगा। वैसे कर दो यार, बाहर इतने सारे कर रहे हो तो एक इंडिया में भी तो बनता है, कर देना चाहिए। अब इसके बाद सैमसंग के तीन और डिवाइसेस 28 तारीख को आ रहे हैं, सैमसंग का A10, A30, A50, जिसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको या तो ऊपर मिल जाएगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसमें डिटेल में मैंने बताया क्या क्या मिल रहा है। A10 हमारा 10,000 की रेंज में होगा, 30 हमारा 15,000 की रेंज में, 50 हमारा 20,000 की रेंज में, और आपको इस चैनल पे इन सबकी अनबॉक्सिंग मिलेगी, इनका कंपैरिजन मिलेगा, इनकी टेस्टिंग मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वो मत भूलना। अब इसके बाद हमारे दो और डिवाइसेस आ जाते हैं ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का F11, F11 प्रो। ये कंफर्म नहीं है क्योंकि 26 को आए, 27 को आए या 28 को आए, आना तो इसी महीने है क्योंकि Amazon पे इसके टीजर वीडियो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो कब आता है ये तो एकदम सरप्राइज होगा। फोन जो है हमारा वो एकदम धांसू है, इसका भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, उसके साथ अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, सुपर वोक चार्जर मिलेगा, 48 मेगापिक्सल कैमरा बैक में मिलेगा, मतलब भर भर के फीचर्स मिलेंगे आपको इस डिवाइस के अंदर। और जो हमारे ये दो डिवाइसेस हैं F11 और 11 Pro, तो एक में दो चार चीजें कम होंगी, एक में दो चार चीजें ज्यादा होंगी, लेकिन इस चैनल पे आपको इन दोनों की अनबॉक्सिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। और आखिरी जो धमाका हो सकता है वो है हमारा Realme 3, जो कि नॉर्मली हमेशा वैसे मंथ एंड में ही अपने डिवाइस को लॉन्च करते हैं, और जैसे कि Xiaomi का हमारा Redmi Note 7 आ रहा है तो उसको तो टक्कर देगा ही ना Realme। तो आपको Realme 3 मिल सकता है जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, ट्रिपल कैमरा बैक साइड में होगा, मतलब जबरदस्त कॉम्पिटिशन होने वाला है, काफी सारी चीजें इसमें डाली जाएंगी। उसके साथ हो सकता है हमारा Huawei भी आपको सरप्राइज दे दे, Huawei का Nova 4 लॉन्च हो जाए या फिर हमारा Huawei का Mate 20X लॉन्च हो जाए, जिसके अंदर आपको 7.2 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, काफी जबरदस्त डिवाइस है। हो सकता है Huawei भी हमें सरप्राइज दे दे और इसी महीने के एंड में लॉन्च कर दे। So, ये थी हमारी आज तक की सबसे धमाकेदार अपकमिंग लिस्ट, और इन लॉन्चेस के बाद इतना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इतने ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डिवाइस लें कौन सा ना लें, मतलब एकदम आतंक मचने वाला है। बट कोई नहीं, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आगे भी आपकी मदद करने के लिए
टाइम टू टाइम वीडियोस डालती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।